और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन हुआ। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक हुई। कई उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के नाम पर भी मंथन हुआ। ऐसा वहां से बैठक के बाद से इनपुट मिले हैं कि मंथन जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर किया गया। 120 से ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की इस पहली सूची में शामिल हो सकते हैं और इसमें 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की मध्य प्रदेश की भी हो सकती हैं और 11 सीटें संभव है कि छत्तीसगढ़ की होंगी। लेकिन 120 इन सीटों में क्या सभी ये 29 और 11 एक बार में जारी की जाएंगी या कुछ सीटें अगली सूची के लिए रखी जाएंगी, ये भी देखना अहम होगा। और उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। पहली सूची में मध्य प्रदेश की 10 से 7 ज्यादा सीटों का ऐलान हो सकता है, जानकारी मिल रही है अभी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। दरअसल कल देर रात तक बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों को लेकर मंथन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, विदिशा या भोपाल से इन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो वहीं छिंदवाड़ा सीट को लेकर चल रही बैठक में विशेष चर्चा हुई और किसी कद्दावर नेता को छिंदवाड़ा से मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। देर रात हुई मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर चर्चा के दौरान ये बातें सामने आई हैं, जिसमें विदिशा या भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों को शामिल किया जा सकता है, जबकि बाकी जो लगभग 19 सीटें बचेंगी संभव है कि दूसरी या तीसरी सूची में उन्हें भी कवर किया जाएगा। बहरहाल अभी तक जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अपनी जो पहली सूची है वो जारी कर सकती है और इस सूची में लोकसभा सीटों की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो 10 लोकसभा सीटें इसमें शामिल रह सकती हैं और इसमें कद्दावर नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। मसलन नरोत्तम मिश्रा हो गए या शिवराज सिंह चौहान, ये वो चेहरे हैं जो कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले कांग्रेस के दावेदारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। आलम यह है कि अकेले ग्वालियर लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेता टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुकाबले में ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में भी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त उत्साह है। यही वजह है कि ग्वालियर लोकसभा सीट से टिकट के लिए अब कांग्रेस के दावेदारों की कतार लंबी होने लगी है। आइए एक नजर डालते हैं दावेदारों पर। एक ग्वालियर, 6 दावेदार। राम सेवक बाबूजी, पूर्व सांसद। प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक। सुनील शर्मा, कांग्रेस महासचिव। देवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष। मितेंद्र सिंह, यूथ कांग्रेस। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोरदार उत्साह है। उनके पार्टी में कई चेहरे हैं जो चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं, इसी वजह से दावेदार बढ़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में गुटबाजी है, लिहाजा जीत कांग्रेस की होगी। ग्वालियर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास युवा प्रत्याशी भी हैं और अनुभवी प्रत्याशी हैं, जो जनता के हितों के लिए लगातार काम करते हैं और दावेदारों की संख्या कांग्रेस पार्टी में लगातार बढ़ती जा रही है।
विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा वाइज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रबल दावेदार श्री ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया जी हैं और उनके धुर विरोधी श्री जयवान सिंह पवैया जी हैं और इन दोनों के कट्टर विरोधी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। बीजेपी की जमीनी स्तर की तैयारी जोरदार है, इसलिए कांग्रेस कहीं मुकाबले की स्थिति में नहीं है। देखिए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे संगठन मंत्री मनमोहन अजय जाम्बल जी ने ग्वालियर लोकसभा के पूरी जो कोर टीम होती है प्रमुख नेताओं की, उसकी बैठक ली है। कांग्रेस अभी अपनी पराजय से उबर नहीं पाई है विधानसभा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह एडवांस ही अपने ग्रास रूट का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यही वजह है कि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की नज़र इस सीट पर है और कांग्रेस के आधा दर्जन दावेदार इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गज चेहरों के आगे कांग्रेस के तमाम दावेदार कितनी चुनौती दे पाएंगे कहना मुश्किल है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। और छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सत्ता के महासंग्राम का